कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड पर बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में एक महिला के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। जांच टीम मौके पर पहुंच गई है, पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर दरअसल ये बताई जा रही है कि यहाँ पर एक बैग में, एक प्लास्टिक के बैग में कुछ संदिग्ध सामान मिला था, जिसके बाद यहाँ पर जो शख्स उठाने के लिए गया, वैसे ही ये प्लास्टिक ब्लास्ट हो गई, यानी कि जो अंदर रखा हुआ धमाका था, ब्लास्ट था, वो हो गया। इसके बाद यहाँ पे फिलहाल जो घेरेबंदी इलाके की वो कर दी गई है, जो जांच टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे इलाके में तलाशी ली जा रही है, वो बैग रखने कौन आया था, कहाँ से आया था, इसको लेकर के जो पुलिस की टीमें हैं वो जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो एक महिला घायल हो गई है इस धमाके में, उसको फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है। प्रियंका, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोलकाता में ब्लास्ट हो जाता है, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, फिर दूसरी तस्वीर फॉरेंसिक जांच टीम यहां पर पहुंची है। दरअसल ये जानकारी मिल रही है कि एक बैग रखा हुआ था और सीधा अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आया था, मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने वाले होंगे। अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। ये सिर्फ पक्के घर ही है ऐसा नहीं है, ये गरीब का पक्का एड्रेस होगा, ये गरीब के सपनों का घोंसला होगा, ये उनके सपनों का लॉन्चिंग पैड होगा। साथियों, लोकसभा चुनावों के दौरान मैंने ये भी कहा था कि हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और इन 100 दिनों के भीतर देश में 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियां बन चुकी है और इनमें से सैकड़ों लखपति दीदियां ये मेरे हरियाणा में भी है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है, जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को होगा। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी, 70 से ऊपर हरियाणा में जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी का खर्चा आपका सेवक जिम्मा लेता है। अब उसके इलाज के लिए उसके बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र आपका ये बेटा करेगा।
देश के बुजुर्गों को दी गई गारंटी मोदी ने पूरी कर दी है। मैं हरियाणा के सभी भाइयों और बहनों से कहूंगा, आप अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिए, आपके माता पिता की चिंता आपका ये बेटा, आपका ये भाई कर रहा है। साथियों, हरियाणा में भी भाजपा सरकार पूरे सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। भाजपा ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। भाजपा सरकार आने से पहले हरियाणा के आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं था। आज हरियाणा में करीब करीब 100% नल कनेक्शन वाला ये राज्य बन रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बिजली का बिल जीरो करने में जुटी है। और इसके लिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत केंद्र सरकार हर परिवार को, यहां बैठे हुए सबको कहता हूं, मोदी है मौका मत जाने दीजिए। और हरियाणा का तो मुझ पर विशेष अधिकार है भाई। हर परिवार को करीब 80,000 रुपये की मदद दी जा रही है। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ एक एक परिवार के लिए 80,000 रुपया। और डबल इंजन की सरकार का कमाल देखिए, मोदी ने तो कहा मैं 80,000 दूंगा, इसमें हरियाणा के हमारे भाजपा के लोगों ने तय किया है हरियाणा के हर घर को 30,000 रुपये की मदद यहां की सरकार एक्स्ट्रा, यानी 1,10,000 रुपये।